पर्यावरण बचाओ का। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए शासन के द्वारा कई प्रकार की योजना संचालित करें, ग्रामीण शहर एरिया में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा, तो वहीं ग्राम प्रधान जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही नियम कानून को ताक में रख के अपने निजी कार्य के लिए धड़ल्ले से हरे भरे बबूल के पेड़ों के उस कटाई कर बबूल के पेड़ से आम खाए जाने का सनसनीखेज मामला एक सामने आया है। लोरमी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलवारी कला है, जहां के ग्रामीण सहित पंचों ने सरपंच के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर अनुभागीय अधिकारी राज्यों से एवं जनपद सीओ लोरमी को जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत कर आरोप लगाए हैं कि सरपंच सचिव बगैर सरपंच की सहमति एवं प्रोसीजर में शासकीय भूमि एवं शमशान घाट के हरे भरे लगभग 80 नग बबूल के झाड़ को कचवा कर बेचने के साथ 14 वित्त राशि को निकाल कर बंदर बाट करने का गंभीर आरोप पंचों ने लगाते हुए तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई की है। और इसके साथ ही उप सरपंच प्रतिनिधि वरिष्ठ ग्रामीण तिस्कर बंजारे ने बताया कि सरपंच के द्वारा किसी तरह की पंचायत को हिसाब नहीं बताते हैं, इसलिए कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, जहां अभी तक की किसी प्रकार की जांच कार्रवाई नहीं की गई है। जी सर, बबूल की झाड़ काटने की भी बात सामने आ रही है, हरे झाड़ को काट के गज नारा तक के उसको बेच दिए गए हैं, इसमें क्या कार्रवाई है? ये पेड़ काटने की संबंधित शिकायत राजस्व विभाग में एसडीएम सर के सामने प्राप्त हुआ है, तो इसमें कार्रवाई राजस्व की साइड से की जाएगी। मेरे साइड से जो कार्रवाई आई है, पंच मनमानी का पेड़ कटवा है, एक शब्द पंच मतलब नहीं पूछे का चाहा था, अभी फिर शिकायत करे लोरमी शिकायत है तो अधिकारी बन का बोले कोई कार्रवाई करे है, नहीं करे नहीं करे। का नाम है आपकी? परमिला।